राधे, आप देख सकते हैं कि आज का श्रृंगार दर्शन और आज का श्रृंगार दर्शन कुछ इस तरीके का है। और देखिए आज गोपू कैसे लग रहे हैं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा गोपू कैसे लग रहे हैं। और देखिए बहुत सुंदर तरीके से तैयार करे हैं गोपू, आप ये देख ही सकते हैं कि गोपू कितने सुंदर लग रहे हैं। और देखिए केशव भी कितने सुंदर लग रहे हैं, ये राधु तो है ही सुंदर, लड्डू भी सुंदर है, केशव भी सुंदर है, गोपू भी सुंदर है। और ये माता रानी का श्रृंगार दर्शन देख ही सकते हैं, माता रानी का श्रृंगार दर्शन। और सब बैठे हैं यहाँ और पूजा आरती सब हो चुकी है। और मैं आपको बता देती हूँ मैंने कैसे कैसे श्रृंगार करा है लड्डू। और देखिए आप गोपू को मैंने देखे बांसुरी कुछ इस तरीके की है, और हाथों में ये देखिए मैचिंग की माला है, और ये मुकुट है गोपू का, गोपू का मुकुट है। और ये देखते हैं, चलिए आइए अब लड्डू की बात चलते हैं। लड्डू की देखो बांसुरी, और ये हाथों में है कुछ रेड कलर की, रेड कलर के हाथों में, और ये दो माला है, और ये मुकुट है एक, और ये बालो है, बाल हो तो आप बताइए। तो देखिए राधा रानी ने भी जूड़ा लगा रखा है और बोरला है, ये वाला मुकुट है, ऊपर से वो श्रृंगार पट्टी लगा रखी है, इयररिंग्स पहन रखे हैं, और देखिए माला पहन रखी है, और देखिए एक लॉन्ग माला पहन रखी है। और आप देख सकते हैं कि केशव ने भी पिंक कलर का मुकुट पहन रखा है, हेट लगा रखा, चंदन भी लगाया है गोपू ने, सॉरी केशव ने। और आप देख सकते हैं केशव कैसा लग रहा है आज, बहुत सुंदर लग रहा है, मैंने आपको बता ही दिया है सबकी। और देखिए क्या गोपू ने अपना मुकुट उतार के फिर से घेर दिया है, गोपू का फिर से लगा देते हैं मुकुट। ये आज का हमारा मंदिर है और श्रृंगार दर्शन है ये आज के। आज के श्रृंगार दर्शन आपको अच्छे लगे तो कमेंट जरूर बताइएगा। और राधा रानी देखिए नथ उतार के बैठ जाती हैं, राधा रानी को नथ लगाना बिल्कुल मन नहीं करता है, क्या करें लगाती ही नहीं है। देखिए कितने भोले बैठे लड्डू केशव, सब कैसे भोले भोले बैठे हैं आज। आज इनके वो आए हैं ना भाई, तो सब इनसे बात करने व्यस्त हैं। और बांसुरी देखिए, इनकी बांसुरी तो देखो, ये आज मंदिर का श्रृंगार, मंदिर में कैसे बैठे हैं वो आपको हमने दिखाई दिया है। और ये आज का श्रृंगार दर्शन है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।